सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से पांच स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो भी स्टॉक इसी वीडियो पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए एक रूल का वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है। अगर आप रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले रूल का वीडियो को देख लीजिए। अगर उसी रूल के वीडियो के हिसाब से ये स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको ट्रेड करने के लिए एंट्री आ रहा है तो अभी आप उसी दिन वो स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड कीजिए। अगर किसी भी दिन रूल के वीडियो के हिसाब से ट्रेड सैटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप उसी दिन वो स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो उसका नीचे एक लाल कलर का बटन है, वो बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर खरीदारी करना है और किसी स्टॉक को बेच के चलेंगे उसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस के थ्रू जानने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें सारे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। देखिए दोस्तों, पहला स्क्रीन पे मैंने आधा रिपोर्ट स्टॉक के ऊपर खरीदारी करने के लिए बताया है। तो दोस्तों, इक्विटी और कैश मार्केट पे 377 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 376.95 है। स्टॉप लॉस हमको 373 पे रखना है। पहला टारगेट 381 और सेकेंड टारगेट 385 पे रखना है। और देखिए दोस्तों, अदानी पोर्ट का अगर आप फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो 380 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 379.35 है। स्टॉप लॉस हमको 376 पे रखना है। पहला टारगेट 384 और सेकेंड टारगेट 388 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्क्रिप्ट टू पे मैंने एशियन पेंट स्टॉक के ऊपर इक्विटी कैश मार्केट पे 1570 पे बाइंग करने के लिए बताया है। इसकी करंट मार्केट प्राइस 1565.85 है। स्टॉप लॉस हमको 1560 पे रखना है। पहला टारगेट 1580 और सेकेंड टारगेट 1590 पे रखना है। अगर आप एशियन पेंट का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो 1574 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 1569 है। स्टॉप लॉस हमको 1564 पे रखना है। पहला टारगेट 1584 और सेकेंड टारगेट 1594 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट थ्री के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट थ्री पे मैंने बजाज फाइनेंस स्टॉक के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया है। तो दोस्तों, इक्विटी और कैश मार्केट पे 3287 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 3272.25 है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तभी आप इसी स्टॉक पे खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 3257 पे रखना है। पहला टारगेट 3317 और सेकेंड टारगेट 3347 पे रखना है। अगर आप बजाज फाइनेंस का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो 3307 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 3292 है। स्टॉप लॉस हमको 3277 पे रखना है। पहला टारगेट 3337 और सेकेंड टारगेट 3367 पे रखना है। तो दोस्तों, ये था थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी फोर्थ स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, फोर्थ स्क्रिप्ट पे भारतीय एयरटेल स्टॉक के ऊपर मैंने बाइंग करने के लिए बताया है। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 375 पे आप बाइंग कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस इसकी 368.45 है। स्टॉप लॉस हमको 369 पे रखना है। पहला टारगेट 381 और सेकेंड टारगेट 387 पे रखना है। दोस्तों, अगर आप भारतीय एयरटेल का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो 376 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 370.90 है। स्टॉप लॉस हमको 370 पे रखना है। पहला टारगेट 382 और सेकेंड टारगेट 388 पे रखना है। तो दोस्तों, ये था स्क्रिप्ट फोर के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी स्क्रिप्ट फाइव के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रिप्ट फाइव पे मैंने बीपीसीएल स्टॉक के ऊपर इक्विटी और कैश मार्केट पे बाइंग के लिए बताया है। तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 348 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 345.30 है। स्टॉप लॉस हमको 344 पे रखना है। पहला टारगेट 352 और सेकेंड टारगेट 356 पे रखना है। अगर आप बीपीसीएल का फ्यूचर मार्केट पे बाइंग करना चाहते हो 339 पे आप बाइंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 336.45 है।
स्टॉप लॉस हमको 335 पे रखना है, पहला टारगेट 342 और सेकेंड टारगेट 347 पे रखना है। दोस्तों ये था ये पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, और ये पांच स्क्रिप्ट के अंदर मैंने पांचों स्क्रिप्ट पे बाइंग करने के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। दोस्तों मैंने निफ्टी फ्यूचर के ऊपर एक हेजिंग का स्ट्रैटेजी बनाया है और ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है। दोस्तों मैंने कंटिन्यूअसली 3 महीना से इस स्ट्रैटेजी पे लाइव ट्रेडिंग करके इसका जो भी रिजल्ट्स आ रहा है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने ये 3 महीना पे जो भी ट्रेड किया है उसका रिजल्ट आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी के लिए हमारा कैपिटल बेसिकली 1 लाख के आसपास लगता है। और देखिए 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे मैंने मई मंथ पे जो ट्रेड किया था दोस्तों ये 18% से ज्यादा रिटर्न दिया था। और देखिए दोस्तों जून मंथ पे 17.8% के आसपास रिटर्न आया था। दोस्तों ये 17.8% का रिटर्न मतलब ये लगभग 18% का रिटर्न है। दोस्तों जुलाई मंथ पे मार्केट साइडवाइज था, फिर भी देखिए 13% से ज्यादा रिटर्न आया था। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है। और मैंने इसी अगस्त मंथ पे इसका देखिए फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ और सिक्स पे जो भी ट्रेड किया है उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये अगस्त मंथ पे अभी हमारा 3,333.75 के आसपास ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका है। देखिए दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है। अगर आप लोगों को रिटर्न कम लग रहा है मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। दोस्तों ये एक एक महीना में 17-18% के आसपास रिटर्न दे रहा है। दोस्तों अगर आप फिक्स डिपोजिट या म्यूचुअल फंड के बारे में सोचोगे दोस्तों फिक्स डिपोजिट पे हमको सालाना 8% के आसपास रिटर्न मिलता है, और म्यूचुअल फंड पे जो मैक्सिमम रिटर्न आता है 30-35% तक हमको रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों 30-35% का रिटर्न एक साल के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न होता है, लेकिन फिर भी देखिए स्ट्रैटेजी के माध्यम से हमको यहाँ पे महीना में 17-18% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। अगर किसी महीना मार्केट ऑफ साइड या डाउन साइड तेजी से जाएगा दोस्तों उसी मंथ पे स्ट्रैटेजी हमको 30-35% तक भी रिटर्न दे सकता है। और देखिए दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है, इसीलिए दोस्तों मैंने खुद लाइव ट्रेडिंग करके ये स्ट्रैटेजी को हर दिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है। अगर आप लोग मुझे ऑलरेडी व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट किए होंगे तो मैंने आपके साथ ये स्ट्रैटेजी का कॉस्ट ऑलरेडी शेयर किया होगा। दोस्तों इसी स्ट्रैटेजी का कॉस्ट ये 11 अगस्त के बाद 30% इंक्रीज होने वाला है। अगर आप लोगों को सेम कॉस्ट पे वो स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप ये स्ट्रैटेजी को 11 अगस्त के अंदर ही ले सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किए हो तो दोस्तों मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों कल हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर पे क्या करना है उसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। देखिए दोस्तों निफ्टी फ्यूचर के ऊपर मैंने बाइंग करने के लिए बताया है, इसका जो करेंट मार्केट प्राइस है 10,963.55 पे है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा 11,055 के आसपास आप इस पे बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 10,995 पे रखना है, पहला टारगेट 11,105 और सेकेंड टारगेट 11,175 पे रहेगा। तो चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो करेंट मार्केट प्राइस है 28,103 है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा 28,250 के आसपास आप इस पे बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 28,075 पे रखना है, पहला टारगेट 28,375 और सेकेंड टारगेट 28,650 पे रखना है। दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी और पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रूल को फॉलो करके कल आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।